10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन। 31 मई तक शादी समारोह पर रोक। घर पर 11 मेहमानों के साथ करा सकेंगे फेरे। मनरेगा में काम और सार्वजनिक परिवहन बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई से सुबह 5 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। प्रदेश में 31 मई तक शादी समारोह पर रोक लगा दी गई है। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में सख्त लॉकडाउन को मंजूरी दी। गांव में मनरेगा में काम बंद रहेंगे। 5 मंत्रियों की कमेटी ने 31 मई तक शादी समारोह पर रोक लगाने और 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। 5 मंत्रियों के ग्रुप ने मंत्रिपरिषद की बैठक में रिपोर्ट रखी, जिस पर सहमति बनी है। सोमवार 10 मई से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे। इसमें पहले से चल रही पाबंदियों को और कड़ा किया गया है। निजी और रोडवेज बसों को भी बंद किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन बंद किया जाएगा। शादी समारोह पर रोक। घर पर शादी की अनुमति, 11 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति नहीं। शादी समारोह पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी और सिर्फ 11 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे। किसी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीति भोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। वेब पोर्टल पर शादी की अनुमति लेनी होगी। शादी में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद किया गया है। एडवांस लौटाना होगा। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन की गृह विभाग ने अलग से गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पहले से ही चल रही पाबंदियों को जारी रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। 17 मई तक के लिए पहले जारी प्रतिबंधों को जारी रखा